इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इंडिया के बेस्ट स्टॉक ट्रेडिंग एप्लीकेशन अपस्टॉक में आप बिल्कुल फ्री में अपना डीमैट अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। साथ ही अकाउंट वेरीफाइड करना और बैंक डिटेल ऐड करना भी आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि अगर एक पॉइंट भी आपने मिस कर दिया तो आपका डीमैट अकाउंट फ्री में ओपन नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके या गूगल प्ले स्टोर से अपस्टॉक के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन डाउनलोड होने के बाद आपको इसे ओपन कर लेना है। यहाँ पर यह थोड़ा सा टाइम लेता है और इसके बाद आपको यहाँ पर वो मोबाइल नंबर फिल कर देना है जो आपके आधार में रजिस्टर्ड हो। जैसे कि मैं यहाँ पे इसे टाइप कर देता हूँ। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद आपको गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। चलिए मैं भी यहाँ पर कर देता हूँ। गेट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद आपके इसी नंबर पर एक 6 डिजिट का ओटीपी आएगा मैसेज में। उस ओटीपी को आपको यहाँ इंटर ओटीपी में इंटर कर देना है। इसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर 6 डिजिट का एक पिन डालना होता है। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नंबर डाल सकते हैं। चलिए मैं भी यहाँ पर इसे फिल कर देता हूँ। और इसके बाद आपको जब आपका 6 डिजिट हो जाए तो आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। और कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको दोबारा से उसी पिन को डालना है और आपको फिर से कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पे एक फिंगरप्रिंट को सेट करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप बाद में करना चाहते हो तो आप स्किप और नाउ पर क्लिक कर दें, पर मैं इसे अभी सेट करना चाहता हूँ, सो इसे मैंने सेट इट अप पर क्लिक कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पर अपना फिंगर सेट करना है। सिक्योरिटी पर्पस से यहाँ पर ब्लैक स्क्रीन हो गई है। इसे सेट करने के बाद आपके सामने ईमेल आईडी फिल करने का ऑप्शन आएगा। अब आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी इंटर करनी है, वो ईमेल आईडी इंटर करनी है जो आपके पास लॉगिन हो। चलिए मैं भी यहाँ पर इंटर कर देता हूँ। इसके बाद आपको अपडेट पर क्लिक करना है। यहाँ पर एडिट ईमेल का ऑप्शन आ रहा है। अगर ईमेल आईडी गलत हो गई हो या चेंज करना चाहते हैं तो एडिट मेल पर क्लिक करके आप उसे एडिट या चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। अब आपको उसी ईमेल आईडी को ओपन करना है जिस ईमेल आईडी को आपने यहाँ पे इंटर किया है। उस पर एक ओटीपी आया होगा, जैसे देखिए मेरे में आ चुका है, और उस ओटीपी को आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब यह बता रहा है कि आप अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड अपने पास रख लीजिए। यहाँ पर भी आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर लिखा है इंटर योर पैन डिटेल। इस बॉक्स में आपको अपना पैन नंबर फिल करना है। चलिए मैं भी यहाँ पे फिल कर देता हूँ। इसके नीचे वाले बॉक्स में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, और डेट ऑफ बर्थ वही फिल करिए जो आपके पैन कार्ड में लिखी हो। चलिए मैं भी यहाँ पे फिल कर देता हूँ। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखे होंगे, जैसे यहाँ पर लिखा है व्हाट इज़ योर जेंडर, तो यहाँ पर आपको अपना जेंडर पर क्लिक करना है। मैंने यहाँ पर मेल पर क्लिक कर दिया है। इसके बाद पूछ रहा है व्हाट इज़ योर मैरिटल स्टेटस, आप सिंगल हैं या आप मैरिड हैं या आप अदर्स में आते हैं, तो मैंने यहाँ पर सिंगल पर क्लिक कर दिया है। उसके बाद पूछ रहा है व्हाट इज़ योर एनुअल इनकम, मतलब आप साल भर में कितनी इनकम करते हैं, 1 लाख से कम करते हैं, 1 से 5 लाख के बीच में है या 5 से 10 लाख है, तो मैंने यहाँ पर बिलो 1 लाख पर सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर पूछ रहा है व्हाट इज़ योर ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, मतलब आपको ट्रेडिंग का कितना एक्सपीरियंस है, less than 1 ईयर है, 1 to 2 ईयर्स हैं, 2 to 5 ईयर्स है, तो मैंने यहाँ पर less than 1 ईयर को सेलेक्ट कर लिया है। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज़ योर ऑक्यूपेशन, मतलब आपका पेशा क्या है, आपका ऑक्यूपेशन क्या है। आपके सामने कई सारे ऑप्शंस आ रहे होंगे, जैसे गवर्नमेंट सर्विस, पब्लिक सेक्टर, प्रोफेशनल, बिजनेस, हाउसवाइफ, रिटायर्ड और स्टूडेंट, तो मैंने यहाँ पर प्रोफेशनल को चूज़ कर लिया है। ये सारी चीज़ें आपको अपने अकॉर्डिंग ही सेलेक्ट करनी है। अब ये पूछ रहा है कि क्या आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस, करेंसीज, कमोडिटीज़ को एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो आपको यस पर क्लिक कर देना है। अब ये पूछ रहा है कि क्या आपका पॉलिटिक्स से कोई संबंध है, तो मैंने यहाँ पर नो पर क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इज़ योर कंट्री ऑफ टैक्स रेजिडेंसी इंडिया, तो अगर आप इंडिया से हैं तो आपको यस पर क्लिक कर देना है, और अगर आप इंडिया से नहीं हैं तो आपको नो पर क्लिक करना है। मैंने यहाँ पर यस पर क्लिक कर दिया है।
इसके बाद आपको नीचे आना है और आई एक्सेप्ट पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशंस यू कैन गेट अ स्टॉक, तो आपको नीचे आई वॉन्ट अ स्टॉक पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल्स शो होने लगेंगी, आप इसे चेक कर लीजिए। अगर ये डिटेल्स करेक्ट हैं तो आपको यस दीज डिटेल्स आर करेक्ट पर क्लिक कर देना है। अगर इसे आप एडिट करना चाहते हैं तो आपको नो आई वॉन्ट टू एडिट देम पर क्लिक करके इसे एडिट कर लेना है। लेकिन मेरी डिटेल्स बिल्कुल करेक्ट हैं सो मैं यस दीज डिटेल्स आर करेक्ट पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर लिखा है डिजिटल सिग्नेचर इज़ रिक्वायर्ड। अब आपको इस बॉक्स में अपने उंगली से सिग्नेचर करना होगा। पैन कार्ड में जैसे सिग्नेचर हैं वैसा ही सिग्नेचर इस बॉक्स में भी आपको करना होगा। चलिए मैं भी यहाँ पर साइन कर देता हूँ। अगर एक बार में सही सिग्नेचर नहीं हो पाते हैं तो आपको इरेज ऑल पर क्लिक करके दोबारा से साइन बनाने होंगे। याद रखिएगा कि अगर सिग्नेचर गलत हुए तो आपका फ्री डीमैट अकाउंट ओपन नहीं हो पाएगा। सिग्नेचर करने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी और प्रोसेसिंग ख़त्म होने के बाद आपके सामने जो स्क्रीन आएगी उसमें बताएगा कि अकाउंट ओपन करने के लिए आपकी एक फ़ोटो कैप्चर होनी है, जिसके लिए आपको कैमरे को एक्सेस अलाउ करना होगा। तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब अगर आपके मोबाइल में कैमरा एक्सेस पहले से अलाउ होगा तो ये एक्सेस अलाउ करने को नहीं बोलेगा, डायरेक्ट आपके मोबाइल का फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा। लेकिन मेरे केस में यहाँ पर अलाउ करने को बोल रहा है सो मैं अलाउ पर क्लिक कर देता हूँ। अब आपको अपनी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो खींच लेनी है। फ़ोटो लेने के लिए आपको कैप्चर पर क्लिक कर देना है। अगर आपकी फ़ोटो सही कैप्चर नहीं हुई हो तो टेक अनदर पर क्लिक करके आपको दोबारा से फ़ोटो ले लेनी है। इसके बाद आपको एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है और इसके बाद फिर से आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है इंटर योर बैंक डिटेल्स, तो यहाँ पर आपको उस बैंक की डिटेल्स फिल करनी है जिससे आप अप स्टॉक में ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अकाउंट होल्डर का नेम टाइप करना है। नेम वही टाइप करना है जो आपके बैंक अकाउंट में लिखा हो, मैं भी इसे टाइप कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना IFSC कोड टाइप करना होता है जो कि आपके पासबुक में लिखा होता है, या आप इसे गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट नंबर टाइप करना है। चलिए मैं भी इसे टाइप कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर नीचे आपको दोबारा से अपना बैंक अकाउंट नंबर टाइप करना है। चलिए इसे भी मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। अब नीचे पूछ रहा है अकाउंट टाइप सेविंग और करेंट। यहाँ आपको अपने अकाउंट के टाइप पर क्लिक कर देना है। मैं सेविंग पर क्लिक कर देता हूँ और इसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर मैं सेव पासवर्ड को कट कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ लिखा है साइन अप फॉर फ्री, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब नीचे यहाँ लिखा है कि आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है वो आपके पास है कि नहीं। मेक श्योर कि आपके आधार में मोबाइल नंबर लिंक हो जिससे आसानी से आप स्टॉक में डीमैट अकाउंट आपका ओपन हो जाए। मेरे पास वो मोबाइल नंबर है सो मैं यहाँ पर यस पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको फिर से कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्क्रीन पर लिखा है कि क्या आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस, करेंसीज और कमोडिटीज़ को एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो मैं इसे बाद में एक्टिवेट करूंगा सो अभी मैं नो आई विल डू इट लेटर पर क्लिक कर देता हूं। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब ये नॉमिनी ऐड करने को बोल रहा है तो फिलहाल मैं इसे भी आई विल डू इट लेटर पर क्लिक कर देता हूं। अब इसके बाद यह आपके अकाउंट ओपनिंग की एप्लीकेशन को ई साइन करने के लिए कह रहा है। यह आपके आधार OTP से ई साइन होगा सो यहाँ पर आपको आधार OTP पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी, इसके बाद आपको ई साइन नाउ पर क्लिक कर देना होगा। अब फिर से यह थोड़ी सी लोडिंग करेगा, उसके बाद आपके सामने टर्म्स एंड कंडीशन का बॉक्स ओपन होगा। आपको यहाँ प्रोसीड टू ई साइन पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा, इसे आप अच्छे से रीड भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको साइन नाउ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने NSDL का ई साइन का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आई हियर बाय पर आपको टिक करना होगा और नीचे इस बॉक्स में अपना आधार कार्ड नंबर टाइप करना होगा, मैं भी इसे टाइप कर देता हूँ। इसके बाद सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। अब आपके पास एक OTP आएगी,
देखिए मेरे पास भी एक ओटीपी आ गया है, तो इस ओटीपी को आपको इंटर ओटीपी वाले बॉक्स में फिल कर देना है। इसके बाद आपको वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पर साइंड सक्सेसफुली दिखा रहा है। सो इस तरीके से आपने अप स्टॉक में डीमैट अकाउंट ओपन करने के प्रोसेस को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। देखिए एप्लीकेशन स्टेटस में दिखा रहा है एप्लीकेशन सबमिटेड। इसके बाद आपके एप्लीकेशन को अप स्टॉक की टीम चेक करेगी और 3 वर्किंग डेज में आपका डीमैट अकाउंट अप स्टॉक में ओपन हो जाएगा। डीमैट अकाउंट बनाते समय आपने जो ईमेल फिल करी होगी उस ईमेल पर आपका यूज़र नेम और लॉगिन पासवर्ड आपको अप स्टॉक की तरफ से मेल कर दिया जाएगा। जैसे कि देखिए मेरे पास 2 दिन बाद ही ये मेल आ चुकी है। इस यूज़र नेम और पासवर्ड से आपको अप स्टॉक में लॉगिन कर लेना होगा। सो होप आपको अप स्टॉक में डीमैट अकाउंट ओपन करने का पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ में आ चुका होगा। सो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से में ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए बिजनेस फील्ड को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।